हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज आप जैसे देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो सेरामिक डिस्क कैपेसिटर है यहाँ पे मैंने बिछा के रखा हुआ हूँ, और एक नॉन पोलर पॉलिएस्टर कैपेसिटर भी यहाँ पे रखा हुआ हूँ, जो कि इसकी क्वांटिटी के साथ इसकी नंबर लिखी हुई है, जो कि हमारे पास 39 PF है और 0.01 UF की है, यानी कि 10 NF की है। उसके बाद 104 नंबर की हमारे पास, ठीक है, डिस्क कैपेसिटर है, सेरामिक कैपेसिटर। और एक तो है 100 PF की हमारे पास है, 68 की है, 22 PF की है, 8.2 PF की है, और ये 102J यानी कि 0.001 UF की है। तो ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं तो उसमें से हम इस टाइप के कंपोनेंट का यूज होने वाला है। जैसे कि आप मान लीजिए, आप देख लीजिए, ये जो सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट हुई है तो इसमें भी आपको डिस्क कैपेसिटर देखने को मिल रही होगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो पीस बची हुई है इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस का काम हुआ है और इसमें डिस्क कैपेसिटर लगाना बाकी है, ठीक है। अब क्या है कि मैंने जब इस वाली जो डिस्क कैपेसिटर है इसको मैंने लगा दिया तो क्या हुआ कि वो सर्किट काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इन सारे में किसी एक जो डिस्क कैपेसिटर है उसमें फॉल्टी था, वो ख़राब निकला। तो वो मेरे को चेक करने से भी पता भी नहीं चल रहा था। आप सभी को पास भी इस टाइप की दिक्कत आ रही होगी कि इस टाइप की जो सेरामिक कैपेसिटर होती हैं, ये पर्टिकुलर इसके लिए एक मल्टीमीटर आती है, जो नॉर्मल मल्टीमीटर में इसमें कोई भी चेकिंग नहीं हो पाता है, ठीक है दोस्तों। जो बोलते हैं कंटिन्यूटी मोड में इसको चेक करना है, शॉर्टिंग होगा तो ये बीप करेगा, शॉर्टिंग नहीं होगा तो बीप नहीं करेगा। कंटिन्यूटी मीटर जो बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कंटिन्यूटी मीटर में। मेरा सवाल है कि मान लो वो चीज़ फॉल्टी है, वो शॉर्टिंग भी नहीं है, वो फॉल्टी है, तो मल्टीमीटर में कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसमें तो कंटिन्यूटी दिखाएगा नहीं, वो ऑलरेडी इसमें फॉल्टी है तो आपको दिक्कत आएगा। मान लीजिए एक दो पीस होता तो आप चेक कर लेते। मान लीजिए यहाँ पे जैसे कंपोनेंट लगी हुई है, डिस्क कैपेसिटर लगी हुई है, जैसे यहाँ पे दो लगी हुई है, यहाँ पे दो लगी हुई है, चार हो गया, ये एक लगी है, पाँच हो गया, ये छः हो गया, फिर ये दो आठ हो गया, दस हो गया, और ये 11 हो गया, एक 12 हो गया। तो 12 से ज़्यादा इसके कंपोनेंट लगी हुई हैं, जो डिस्क कैपेसिटर है, सेरामिक कैपेसिटर है, लगी हुई है। बहुत सारे वैल्यू के हैं जो कि यहाँ पे रखी हुई है, मैं रखा हुआ हूँ। तो अब मान लीजिए आप इसमें फिट कर दिए हैं और इसमें सर्किट को ऑन कर रहे हैं या टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको ये दिक्कत आ रही है, तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा डिस्क कैपेसिटर में आपका फॉल्टी है? क्योंकि आप तो पहले चेक करके लगाए नहीं। अब चेक भी करते तो इसके लिए अलग से कॉस्टली मल्टीमीटर आती हैं, और ये वाली जो नॉर्मल जो 400-500 वाले मल्टीमीटर है उसमें शो नहीं होती हैं और आपको दिक्कत आती हैं। और आपको कैसे पता करेंगे कि कौन सा फॉल्टी कौन है? तो आप क्या करेंगे, एक को निकालेंगे, उसके जगह पर दूसरा को चेक लगाएंगे, फिर चेक करेंगे। ऐसे करने से आपका टाइम ज़्यादा लगता है और एक चीज़ में आपका बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो आज मैं इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके आया गया हूँ। तो आज मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, जो कि आप कोई भी आपके घर में हो या बच्चे हो या आप खुद ही हो, कोई भी हो जिसको बारे में कुछ नॉलेज भी ना हो, वो भी वो इस टाइप का टेस्ट कर सकता है। इसका वो टेस्टर में दिखाऊंगा, सिंपल सा है दोस्तों, कुछ दिक्कत नहीं है, तो आप भी खुद से बना सकते हैं। आपके पास में आपका किसी भी टाइप का एम्पलीफायर किट होनी चाहिए। मेन एक बात, आपके पास होम थिएटर वाला भी हो सकता है, एम्पलीफायर भी हो सकता है, या आपकी 62-83 IC हो सकते हैं, 44-40 भी हो सकते हैं, आपके पास जो भी है, ठीक है। एक ऑडियो आईसी की किट आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने रेडी करके रखा हूँ। ये है मेरा 62-83 का IC बोर्ड है, ठीक है, ये मेरा 62-83 का IC बोर्ड है। मैं इसमें एक चैनल में एक स्पीकर लगा के रखा हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक पोटेंशियोमीटर है, नॉब है, ठीक है, और ये इसकी इनपुट सेक्शन है। तो यहाँ पे एक देखिए दोस्तों, ये ब्लूटूथ गेट लगी हुई है, तो इसका काम नहीं लेना है। तो मैं, आप अगर गाना सुनना चाहते हैं तो इस टाइप की ब्लूटूथ किट इसमें लगा के गाना सुन सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइप की मेथड से आपको आज दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं आपकी डिस्क सेरामिक कैपेसिटर को। बहुत अच्छे से टेस्ट हो जाती है दोस्तों, फॉल्टी हो या चाहे जो भी हो आपको पता चल जाता है। तो इस टाइप की कुछ होनी चाहिए आपको, इस टाइप की DC सॉकेट जैसे है, आप इसमें पावर दे दीजिए, ठीक है। तो मैं इसमें पावर दे रहा हूँ, इस टाइप की कुछ 12 वोल्ट, इसमें 12 वोल्ट में रन करता है, ये मैंने पावर दे दिया, ठीक है। अब इसको चालू करेंगे, ठीक है, इसमें पावर आ गया है, और पावर होने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये साउंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक भी कोई भी चीज़ इसके अंदर ऊपर में रखूँगा तो ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है, ये फेंक दिया, तो यानी कि ये स्पीकर काम कर रहा है अभी। अब इसकी जो साउंड है, कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू के हिसाब से आप इसमें नॉब को सेट कर सकते हैं। आप 0 रख सकते हैं, या फुल वॉल्यूम भी दे सकते हैं, या इसको 50 में खोल सकते हैं, ठीक है।
तो बस इसको यहाँ पे जो है टच कर रहे हैं, तो ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, ये मान लीजिए ये एक मेरे पास है डिस्क कैपेसिटर है, जो कि इसकी वैल्यू है 102 है। तो आप ये देख सकते हैं 102 यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको करना क्या होगा, एक एक जो पॉइंट है इसकी लेग है, इस एक लेग को आप अपने उंगली में ऐसे पकड़ लीजिए, आपका एक पॉइंट इसका, ठीक है, एक पॉइंट पिन का आपके बॉडी के साथ अटैच होना चाहिए, और एक पॉइंट जो ओपन है उसको क्या करना है, ये जो इनपुट वाली वायर लाइन है इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको इसको लेकर टच करना है। आप ये देख सकते हैं, तो ये आपका पल्स आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्क कैपेसिटर होती है ये आपको ऐसे ही पता चलेगा, क्योंकि इसके अंदर में जब तक पल्स नहीं जाएगा आपका, तो उस टाइम आपका ये चलेगा नहीं और ये काम करेगा नहीं। तो पल्स से ही आपको पता चलेगा कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी के पल्स के हिसाब से ये सही है कि ख़राब है, वो आपको पता चल जाएगा। अगर ये ख़राब रहता तो ये आपको ये कितना भी कर लो ये बाउंस नहीं होता है, ठीक है, पेपर इसका कोन बाउंस नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, ये डिस्क कैपेसिटर सही है। आप किसी भी कंपोनेंट उठा के चेक कीजिए, आपका यही होगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था इस टाइप की कुछ रहती है कैपेसिटर, इसको भी आप चेक करेंगे तो इसमें भी आपको पल्स या बाउंसिंग ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। इसको एक पीस में निकाल दिया और एक पॉइंट को मैंने ऐसे हाथ में पकड़ा हूँ, ये देखिए एक पॉइंट इसको हाथ में पकड़ा हूँ, और दूसरी वाली पॉइंट को मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर साउंड आ रहा है, यानी कि ये सही है। तो इस तरह से जितना भी है उसको आपको चेक कर सकते हैं, और आपकी जो टाइम है जो वेस्ट हो रहा है, जो एक एक कंपोनेंट को निकाल के डिस्क कैपेसिटर को चेक करके, वो आपका बच जाएगा। पहले से आप इसको टेस्ट करके रख सकते हैं। तो इस टाइप की मेरे पास एक प्रॉब्लम आया और मैंने फेस किया, तो मैं सोचा कि इसके ऊपर में एक टॉपिक होनी चाहिए जो आप सबको एक नॉलेज देनी ज़रूरी है कि आप इस टाइप की कोई भी चीज़ भी कंपोनेंट को आप चेक कर सकते हैं। ये एक ठोक है हमारे पास, ठीक है, इसको निकालते हैं और इसकी जो वैल्यू है ये लगभग मैं आपको बताऊंगा, इसकी वैल्यू ये है 102 की है, 1 KV का है। तो मैं इसको निकालता हूं, और ये और एक है यहाँ पे लगी हुई है 103 की है और 1 KV का है, और ये दोनों कंपोनेंट को मैं निकालता हूं और चेक करता हूं क्या ये सही है या ख़राब है, क्या इससे हम को पता चलेगा कि ये सही है कि ख़राब है। तो चेक करके आपको दिखाता हूं, इसको निकालता हूं बोर्ड में, उसके बाद इसको चेक करके आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पे दो कंपोनेंट मैंने निकाल दिया हूँ, अब चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं ये सही है कि ख़राब है, वो हमको पता चल जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर बाउंसिंग हो रहा है, तो यानी कि ये सही है। और एक कंपोनेंट मैंने निकाला हूँ इसमें, इसका वैल्यू है 102 1 KV का है, और भी इसको चेक करते हैं इस टाइप से। ये देखिए दोस्तों ये काम कर रहा है, अगर ये ख़राब रहते हैं तो ये पल्सिंग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं मिलता, तो ये बाउंसिंग नहीं करता। तो इस टाइप से जितना भी है आप चेक कर सकते हैं आपके घर पे, और अपने टाइम को बचा सकते हैं, और इजीली ये काम जल्दी हो जाता है। और इस टाइप की कोई सिंपल सा ट्रिक है, क्योंकि ये चीज़ आपका घर पे ही रहेगा, आपको इसके लिए कॉस्टली मल्टीमीटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 104 का एक PF निकाला हूँ, ठीक है, इसको भी चेक करते हैं, ये सही है, ठीक है, इसको जो जहाँ पे लगाना है इस वाली सर्किट में लगा लेते हैं। उसके बाद और एक हो वही 104 का निकालते हैं, चेक कर लेते हैं सही है कि क्या है। तो ये मैंने निकाला हूँ 104 का, ये सही है, ठीक है। तो मैंने ये 104 लगा दिया, उसके बाद लगाना है 39 का लगाना है यहाँ पे, 39 तीन तो लगेगा, तो मैं यहाँ पे तीन छः निकाल ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 39 का 6 निकाल दिया हूँ, और 6 को 6 को चेक करेंगे बारी बारी करके, ये सही है, सही लग रहा है, सही है, तो ये सही है 39 का लगा लेते हैं। तो दोस्तों दोनों किट में 39 का PF लग गया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें हम लगाएंगे 68 PF का, ठीक है। तो इसमें 68 PF लगेगा, दो दो करके 4 लगेगा, ये है 68 PF और इसमें 4 लगेगा। इसको यहाँ पे मैंने 68 PF 4 निकाल दिया हूँ, एक ऑलरेडी छोटी सी लेग के साथ है, इसको हम चेक कर लेते हैं, सही है, दूसरों को चेक कर लेते हैं, सही है, सही है, सही है। तो इसको सेट कर लेते हैं 68 PF जहाँ जहाँ लगेगा। तो ये एक में कंप्लीट हो गया, और दूसरा कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद दूसरी PF को चलेंगे। अब दोस्तों इसके पास लगेगा 22 PF का, वो लगेगा हमारा यहाँ पे दो दो चार करके लगेगा। तो 22 PF को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वो सही है कि नहीं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं,
सही है। तो यहाँ पे जो सेरामिक कैपेसिटर है, डिक सेरामिक कैपेसिटर, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना उसकी जो फ्रीक्वेंसी की जो है वो कम होगा, और जितना नंबर बढ़ते ही जाएगा उसका जो फ्रीक्वेंसी का जो साउंड, जो इसकी जो बाउंसिंग है वो बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये 22 का है, थोड़ा सा साउंड इसमें दब गया है, और 104 में उसका थोड़ा सा हाई आ रहा था। ठीक है, उसके बाद 100 है, 102 है, तो इसको लगा लेते हैं। 22 यहाँ पे लगेगा दो ठो, उसके बाद लगेगा वो 8.2, वो लगेगा 8.2, 8.2 हमारा यहाँ पे दो लगेगा। तो उसके बाद फिर 100 का लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 100 का एक लग गया, सब कुछ एक एक लगेगा, 100 का एक लगेगा, 102 यहाँ पे लग चुका है, 103 बाकी है, 104 लग चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लगेगा 100 और 103 लगेगा, दो बचे हुए हैं उसको लगा लेते हैं चेक करके। ये है 100 का, चेक कर लेते हैं। देखिए 100 में थोड़ा सा लाउड हो रहा है, तो 100 जो लगेगा यहाँ लगेगा, 103 जो लगेगा। तो फाइनल यहाँ पे सब कुछ लग चुका है, यहाँ पे पीएफ जितना भी था वो सब लग चुका है। एक अच्छी बात है कि हमने सबको चेक कर करके लगा दिए हैं, और इससे कोई दिक्कत नहीं है, कई पीसीबी सर्किट अच्छे से काम करेगा। तो इस टाइप से आप चेक कर करके लगा सकते हैं, इस टाइप से चेक कीजिए, आपकी कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जो फॉल्टी होगा बाहर ही निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं, निकल जाएगा, और बाकी जो है वो सही रहेगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा था तो इस टाइप की ट्रिक से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।